गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अर्ली मॉर्निंग उठने का बेनिफिट क्या है, हम लोग कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, अपना सेल्फ केयर कर सकते हैं और कितना प्रोडक्टिव रह सकते हैं। ये फीलिंग कितनी अच्छी होती है जब हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, सबका रूम का लाइट ऑफ होता है, पर लेकिन हमने अपना रूम का लाइट ऑन कर लिया है, बेड से उठ गया है, ये सोच के साथ कि हमारे बॉडी को इम्प्रूव करें, हमारे माइंड को फ्रेश करें और ख़ुद का एक हेल्दी लाइफस्टाइल सेट कर सके। बाहर कितने ज़्यादा सन्नाटा है, पूरा अंधेरा है और चंदा मामा भी दिख रहा है। ये वाला टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड मुझे बहुत ज़्यादा सुकून फील होता है। स्टमक गर्म पानी और घी लेती हूँ, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर रहता है, स्किन ग्लो करता है, क्लियर रहता है, आपका अगर एक्ने होता है तो उसको भी हील करता है एंड आपका अगर जॉइंट पेन है तो उससे भी रिलीफ मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा हंगर फील होता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो उसको भी कंट्रोल करता है, वैसे तो बहुत और भी बेनिफिट है और आपका पेट को भी बहुत अच्छे से क्लियर करता है। मेरा मॉर्निंग पार्टनर है टॉम बाबू। मेरा बाबू को इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, इसलिए मैंने हेयर रिमूव कर दिया है एंड बाबू को इन्फेक्शन हुआ है इसलिए मुझे भी इन्फेक्शन हुआ है, जिससे बहुत ज़्यादा इचिंग होता है। जिसके पास कैट है वो लोग मेरा बात समझ सकते हैं। जब रोशनी हो जाता है तो मैं टेरेस पे आ जाती हूँ, क्योंकि अंधेरा जब रहता है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और अभी भी कोई भी नहीं उठा है, सिर्फ चिड़िया की आवाज़ें गूंजती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए तो मी टाइम मॉर्निंग के टाइम पे ही होता है, बहुत पीसफुल रहता है, कोई शोर शराबा नहीं होता है, खुद के साथ वक्त बिताती हूँ और बहुत सारा चीज़ सोच लेती हूँ कि दिन भर में मुझे क्या करना है नहीं करना है। सो आप लोग भी कभी करके देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मॉर्निंग में स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बॉडी के लिए, क्योंकि रात भर हम लोग रेस्ट करते हैं। वैसे तो जिम में जाके मैं बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ और अभी सूरज भी निकलने वाला है और इतना अच्छा वेदर है, नीचे जाने का दिल नहीं कर रहा है पर जाना तो पड़ेगा, बहुत सारा काम है तो चलो नीचे ही चलते हैं। नीचे जाते ही सबसे पहले जो करना है वो सिया सीड को सोक करके रखना है, क्योंकि मुझे डिटॉक्स वाटर बनाना है। उसके बाद मैं अपने बेड को क्लीन करूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले यही करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है एंड लेजी भी फील नहीं होता है, क्योंकि बेड में अगर ब्लैंकेट होता है तो लगता है थोड़ा देर लेट जाए या फिर थोड़ा देर बैठ जाए, और सुबह उठने के बाद मैं कोई भी सोशल साइट यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। मॉर्निंग में ओरल हाइजीन का ध्यान रखना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सबको ही रखते भी है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चारकोल टूथपेस्ट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। ऑन ट्यूब मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, इससे बहुत ही लॉन्ग टाइम माउथ बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। एंड मॉर्निंग में मैं प्लेन वाटर से ही फेस को क्लीन करती हूँ, उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी। सनस्क्रीन का हालत थोड़ा ख़राब हो चुका है, क्योंकि पूरा ख़त्म ही हो चुका है, तो इसको मैंने कट कर लिया है, जो भी थोड़ा बहुत है निकल ही जाएगा। एंड सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं SPF लिप बम भी यूज़ कर रही हूँ, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है।
मॉर्निंग में वर्कआउट करना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं जिम के लिए रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ मॉर्निंग में वर्कआउट करने से, और बहुत अच्छे से वर्कआउट हो भी जाता है। प्री वर्कआउट मील में मैं ज़्यादा हेवी तो कुछ नहीं ले पाती हूँ, और मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से ना छिपकली घुस गया था, तो मैंने पूरा ब्लॉक कर दिया क्योंकि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। एनीवेज गाइस, सो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट में मेरे पास जो भी है वो मैं ले लूँगी, और साथ में एक बनाना भी लूँगी। ड्राई फ्रूट स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हेयर के लिए बहुत अच्छा है। हेयर फॉल अगर हो रहा है या फिर आपके स्किन में कोई ग्लो नहीं है, ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर दो, बहुत ही फायदेमंद होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉडी को हाइड्रेट रखना, तो सुबह उठते ही मैं पूरा बॉटल में पानी डाल लेती हूँ, दो बार मैं इसको रिफिल करती हूँ क्योंकि ये पूरा 2 लीटर का बॉटल है, तो दो बार करती हूँ तो 4 लीटर हो जाता है। वर्कआउट करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मॉर्निंग में वर्कआउट करने से पूरा दिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो, एंड आपका बॉडी भी बहुत ज़्यादा लाइट फील करता है। वर्कआउट करने से आपको एक अट्रैक्टिव बॉडी तो मिलती है, आपका वेट भी मैनेज रहता है, बट वर्कआउट करने से इंटरनली अगर कोई आपका प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे कि PCOD, थायराइड या फिर और भी कोई अगर प्रॉब्लम है, वो भी विदाउट एनी मेडिसिन आप उसका सॉल्यूशन भी कर सकते हो। वर्कआउट करने से आपको जो इतना ज़्यादा अच्छे से आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है ओवरऑल बॉडी में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, स्किन और हेयर को तो मिलता है, पूरा बॉडी को भी मिलता है। एंड वर्कआउट करने से आप बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हो क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है। सो वर्कआउट ज़रूर करना, आधा घंटा एक घंटा जैसे भी आपको टाइम मिले वर्कआउट ज़रूर करना, चाहे घर पे करो बाहर पे करो। बहुत सारी सिस्टर जो होती है जो जिम नहीं जा पाती है, अगर होम वर्कआउट भी आप लोगों को कुछ अगर जानना है तो कमेंट करके बताना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगी ताकि आप लोग घर पे भी वर्कआउट कर सको। तो चलो मेरा जिम डन हो गया, अब घर चलते हैं। जिम से आने के बाद अभी अब मैं कोकोनट वाटर पीऊँगी, पर मैं कोकोनट वाटर के साथ जो सिया सीड में भिगो के गई थी वो मैं ले लूँगी। यहाँ पे मैं 2 स्पून ले रही हूँ, एंड समर का टाइम ऑलमोस्ट चला आया है, समर आ गया है, समर के टाइम पे मैं रोज़ कोकोनट वाटर एंड सिया सीड पीती हूँ ताकि मेरा बॉडी भी कूल रहे। इससे क्या होता है, अगर पिम्पल पोर स्किन है तो वो आपका पिम्पल को होने नहीं देता है क्योंकि आपका बॉडी को बहुत ज़्यादा कूल रखता है, आपका पेट को ठंडा रखता है क्योंकि आपका अगर पेट गर्म रहता है तो आपको पिंपल्स होता है। एंड आप अगर सिया सीड अगर पीते हो, सिया सीड में बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जिससे आपका हेयर फॉल अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, आपका वेट लॉस में भी आपको हेल्प करता है, आपको वेट को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। एंड सिया सीड एंड कोकोनट वाटर पीने का बहुत सारा बेनिफिट है। कोकोनट वाटर वैसे ही हमारा बॉडी को इतना अच्छे से डिटॉक्स करता है, हाइड्रेट करता है, स्किन को ग्लो करता है, तो आप लोग कोशिश करें कि रोज़ एक कोकोनट वाटर एटलीस्ट आप लोग पिया करें। जिम से आने के बाद मैं नहाती हूँ, तो उससे पहले मैं अपना बॉडी स्क्रबर रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं शुगर ले रही हूँ, शुगर को मैं दरदरा करके कूट लूँगी, मिक्सर ग्राइंडर में बहुत ही फाइन पाउडर बन जाता है इसलिए मैंने इसको कूट लिया है, एंड जैसा मुझे टेक्सचर चाहिए तो वैसा मुझे मिल गया है। अब मैं यहाँ पे शुगर के साथ कॉफ़ी पाउडर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, एंड ऐड करूँगी मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल। आप लोग चाहो तो यहाँ पे आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो या फिर ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, अब मुझे जैसा टेक्सचर चाहिए तो वैसा मुझे मिल गया है। इससे बेस्ट बॉडी स्क्रबर कोई हो ही नहीं सकता है, एक बार यूज़ कर लोगे ना आप कभी भी दूसरा स्क्रबर में शिफ्ट नहीं होंगे। यहाँ पे मैंने शावर कैप लगा लिया है ताकि मेरा बाल गीला ना हो क्योंकि मैं रोज़ रोज़ शैम्पू नहीं करती हूँ। और अब मैं पूरा बॉडी में अच्छे से इसको सर्कुलर मोशन में अच्छे से रब करूँगी ताकि डेड सेल पूरा रिमूव हो जाए। इससे आपका बॉडी इतना अच्छे से डेड सेल को रिमूव करता है, टैन को रिमूव करता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, आपको स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है, एंड डेड सेल जब रिमूव हो जाता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन रखता है। तो इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा स्क्रबर है।
अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन करूँगी तो यहाँ पे मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। एकोलॉजिका का हाइड्रेट फेस वॉश है, अच्छा है, मेरा स्किन को ड्राई नहीं करता है। तो फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी फेस मास्क। आप लोगों को पता है मुझे होम रेमेडी कितना ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अनार का जूस। अनार का जूस को मैंने अच्छे से निकाल लिया है, उसके बाद मैंने राइस फ्लोर ले लिया है। अच्छे से दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही अच्छा ये फेस मास्क है, एक बार यूज़ करना, उसके बाद कमेंट में इसका रिजल्ट खुद ही बोलोगे आप। बहुत अच्छे से स्किन को आपको क्लीन तो करता है डीपली, आपका स्किन को डेड सेल को रिमूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट है तो आपकी स्किन को बहुत अच्छे हाइड्रेट भी करता है, पिगमेंटेशन सन टैन को भी दूर करता है और स्किन में इंस्टेंट ग्लो भी देता है। साथ ही साथ अपने बॉडी को भी हाइड्रेट करना ज़रूरी है, तो पानी भी पीते रहना बीच बीच में। तो मैंने अपना फेस को क्लीन कर दिया है, देख ही पा रहे हो मेरा स्किन कितना ज़्यादा क्लियर लग रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑर्डिनरी का सेंसिटिव स्किन के लिए स्किन बैरियर सीरम यूज़ कर रही हूँ। 2 बॉटल ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, मेरा स्किन को बहुत अच्छे से सूट किया है। और यहाँ पे मैं डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, ये भी सेंसिटिव स्किन के लिए है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा ही है। अब मैं सनस्क्रीन में अप्लाई करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। डे में 2-3 घंटा छोड़ छोड़ के सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं लिप बाम यूज़ कर रही हूँ SPF वाला। मेरे साथ तो हो चुका है मोए मोए जैसे कि आप लोगों ने देखा है। एनीवेज यहाँ पे मैं हेयर सीरम यूज़ कर रही हूँ और इसी के साथ मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन मेरा कंप्लीट हो गया है। एंड अभी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, पर मेरे पास ग्रीन चिली नहीं था तो मैंने सोचा मेरा तो ग्रीन चिली बड़ा बड़ा हो चुका है तो एक मैं ले लेती हूँ। मुझे कितना ज़्यादा खुशी लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मेरा कड़ी पत्ता भी चाहिए था तो मैंने सोचा कड़ी पत्ता भी थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ, घर पे ही सब कुछ है मेरे पास। एंड अब मैं बनाऊँगी पोहा, क्योंकि पोहा बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है एंड बहुत लॉन्ग टाइम तक भूख नहीं लगता है अगर सुबह ब्रेकफास्ट में पोहा आप खा लेते हो तो। एंड बहुत झटपट भी बन जाता है, ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हेवी करती हूँ ताकि पूरा दिन मेरा अच्छा जाए, क्योंकि ब्रेकफास्ट मुझे अच्छा चाहिए होता है। सो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करती हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपने पौधों को पानी दूंगी ताकि इन लोगों को भी हेल्दी लाइफ मिले। और मेरा टमाटर भी पूरा रेड हो गया है, अभी और 1-2 दिन बाकी है इसको तोड़ने में। एंड बाबू अभी बाहर झांक के देख रहा था क्योंकि यहाँ पे एक कौवा उसको काऊ काऊ कर रहा था इसीलिए। मेरे पास कॉल आया था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपना फेवरेट प्लेस पे, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती है इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम है इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी मुझे मिला। सो गाइस आ गई हूँ मैं अपने हैप्पी प्लेस में, फ्लावर नर्सरी में। यहाँ से मुझे कॉल आया था क्योंकि मुझे कुछ पौधे चाहिए था, वो आ गया है तो मैं कलेक्ट करने आ गई हूँ। यहाँ पे इतना खूबसूरत फ्लावर देख के दिल कर रहा है सबको घर लेके चलूँ, पर मेरे पास उतना जगह है नहीं कि मैं सबको रख सकूँ। बहुत बड़ा एक नर्सरी है, यहाँ पर हर चीज़ मिल जाता है। हेल्दी गर्ल वही होती है जो नेचर से जुड़ी हुई हो। मुझे ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देती है, मुझे छोटे छोटे चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। उनमें से एक नेचर, फ्लावर और मुझे जो सारे चीज़ चाहिए थे मैंने ले लिया है। अंकल सब कुछ सेट कर रहे हैं, मैंने पूरा डिक्की को अपना भर लिया है। आज का मॉर्निंग इतना ज़्यादा अच्छा रहा, इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव तो रहा ही, साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई क्योंकि मेरे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आज मुझे फ्लावर मिल जाएगा। सो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मैं मिलूँगी मेरा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।